फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा है कि जो हमारी 5 HP से ऊपर की मोटर होती है उनको चलाने के लिए हम जो स्टार्टर यूज में लेते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो वो होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है हमारे पास हस्तचलित, एक होता है सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर और एक होता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके अंदर फ्रेंड्स जो कनेक्शन करते हैं मोटर के, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है मोटर के सिरे जांचना वो है बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बिना हम इसके अंदर कनेक्शन स्टार्टर के अंदर कनेक्शन नहीं कर सकते। तो जो हमने सिरे जांचने की विधियां हैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स हमने जो है देख लिया है कि हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर से किस तरीके से जो हम मोटर चलाते हैं, तो उसकी भी जो वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर दी है, उसका भी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम जो हमारे पास सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो किस तरीके का होता है, उसके कनेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसा कि आपको पीछे पैनल बोर्ड पर भी देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें 3 NBCs होती है हमारे पास, यहाँ पे K1, K2 और K3, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा K1, K2 और K3, हमारे पास 3 NBCs है। और फ्रेंड्स इसके अंदर ऊपर आपको यहाँ पे NONC देखने को मिल रहे होंगे, जो कि हमारी यहाँ पे आपको ऊपर पैनल पे भी देखने को मिल रहे होंगे, ये हमारा जो है NC है ये NO है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यहाँ पे पहली जो K1 है उसके ऊपर यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर देखने को मिल रहे होंगे, जो कि हमारे मेन सप्लाई RYB के होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे K3 और K2 के अंदर, यहाँ पे जो K3 और K2 है उसके साइड में आपको यहाँ पे जो हमारे NONC देखने को मिल रहे होंगे, जो कि हमारी जो दूसरी और तीसरी जो NBCs है उनको इंटरलॉकिंग करवाता है आपस में, जैसे कि आपको यहाँ पे K2 के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे K3 के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे K1 के अंदर आपको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर देखने को मिल रहा होगा, जो कि हमारा यहाँ पे जो मौजूद है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर होते हैं 2 तरीके से कनेक्शन। यहाँ पे जो पहला हमारे पास कनेक्शन होता है वो एक NBC को ऑपरेट करवाएगा। अब फ्रेंड्स ऑपरेट इस तरीके से हो कि हम जैसे ऑन बटन दबाए तो हमारी NBC है वो कुछ इस तरीके से काम करे कि हमारी मोटर को है वो पहले स्टार में चलाए। जैसे ही हम हमारे ऑन बटन को छोड़े उसके बाद हमारी जो NBC है वो हमारी मोटर को डेल्टा में चलाए, तो उसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैं आपके लिए यहाँ पे तैयार कर लिया हूँ, इसको पहले हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स ये ओनली कंट्रोलिंग वायरिंग है, आप इसमें देख रहे होंगे कि हमारे जो मोटर के कनेक्शन है उसको हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको भी हम इसके अंदर ऐड कर देते तो वो आपने सुना होगा ना मारवाड़ी में एक कहावत कि खाटोन खींचड़ो एक हो जाए, तो वो यहाँ पे हो सकता था कि आपको फिर वो है समझ नहीं आता, इसलिए सबसे पहले हम इसका ओनली सर्किट डायग्राम को ही समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमारी जो NBCs होती है वो हमारी ऑपरेट होती है 440 वोल्टेज पे, तो फ्रेंड्स 440 वोल्टेज पे ऑपरेट होने के लिए हमारे को 1 NBC के लिए यहाँ पे 2 फेजों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे हम न्यूट्रल को ऐड नहीं करेंगे, तो वो 2 फेज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम एक फेज यहाँ से उठा लेते हैं। फ्रेंड्स इस जो डायग्राम है इसको बी केयरफुली आप देखना, ये बिल्कुल भी आपको दिख रहा ही होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इतना इजी आपके लिए बना दूंगा कि आपको चुटकियों में यहाँ पे याद हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ से हमने आर फेज उठाया, जैसे आर फेज उठाया उसको हमने दे दिया K1 के अंदर, डायरेक्ट K1 के अंदर उठा के दे देना है, वहीं से हम K1 से उठाएंगे और सीधा दे देंगे हम K3 के अंदर, K3 से उठाएंगे वापस और K3 के NC के अंदर ही यहाँ पे आपको वापस इसी RY जो फेज था उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स K3 का ओनली हमारे पास NC जो नॉर्मली क्लोज वाला जो कॉन्टेक्ट है वही कॉन्टेक्ट काम यहाँ पे आएगा, NO है वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने NO को बनाया ही नहीं ताकि आपको समझने के अंदर आसानी हो। तो हमने दे दिया R फेज यहाँ पे NC के अंदर, NC नॉर्मली क्लोज है जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली बना दिया नॉर्मली क्लोज, तो सीधा फेज हमारे चल जाएगा इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से उठा के हम सीधा दे देंगे हमारे K2 के अंदर। अब आप देखो यहाँ पे K1 को भी K3 को भी और K2 को भी हमारे पास डायरेक्ट R फेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ से उठा K1 के अंदर चला गया, यहाँ से K3 में और K3 के NC से होते हुए सीधा हमारे पास K2 के अंदर आ गया, ये एक फेज की यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन हो गया हमारे 3 NBCs के अंदर। अब बात करते हैं हमारे पास जो है दूसरे फेज की। तो फ्रेंड्स दूसरे फेज की जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम जब हमारे ऑन बटन को दबाए तो दूसरा फेज हमारी उस NBCs को मिले जिससे हमारी मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर हो रखे हैं। तो वो कैसे हो रखे हैं फ्रेंड्स, जो हमने मोटर के जो कनेक्शन करेंगे वो स्टार में हम K2 के साथ करेंगे और हमारी यहाँ पे K1 के साथ तो पावर का कनेक्शन हो जाएगा और K3 के साथ स्टार का कनेक्शन हो जाएगा। तो अब देखो दूसरा फेज हमने उठाया B, यहाँ पे ब्लू फेज उठाया, सीधा दे दिया हमने
ऑफ बटन कहते हैं, जो एनसी है हमारे फर्स्ट जो K1 है उसके ऊपर ही आपको देखने को मिली होगी कि हमारे पास एनसी है उसके अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो हमारी K1 है उसके ऊपर ही आपको NONC देखने को मिल रहे होंगे। तो जो फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्टर है, NC का जो पहला कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें उठाकर आपको एक दूसरा फेज दे देना है। R तो आपने दे दिया, या Y या B दोनों में से अब कोई सा भी एक फेज आपको NC में दे देना है। जैसे NC में दोगे, NC के दूसरे सिरे को NO के फर्स्ट सिरे से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, जैसे कि आपको इसमें भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर हमने ये नीचे ब्लैक वायर देखने को मिल रहा होगा आपको, जो कि हमने NC के दूसरे सिरे से NO के फर्स्ट सिरे पर कपल कर यहाँ पे कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर दिया है, नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपको यहाँ पे कॉमन कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, जैसे ही आप NO को दबाओगे, NO बटन को जैसे ही दबाओगे, तो ये फेज आएगा यहाँ पर। जैसे ये फेज यहाँ पर आएगा, इस फेज को उठाकर सीधा K2 के अंदर दे देना है। यहां से हमने उठाया और सीधा ये घूमता हुआ आ गया हमारे पास K2 के अंदर। अब देखो फ्रेंड्स, K1 को R फेज पहले डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा था, दूसरा फेज हमने यहाँ लाके जोड़ दिया। जैसे NO को दबाएंगे, हमारी K2 ऑन हो जाएगी, K2 ऑन होगी। अब K2 जैसे ही ऑन हो, वैसे ही हमारी सप्लाई मिलनी चाहिए K1 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर K2 के NONC को कॉमन कर देंगे। या तो आप ऊपर वाले सिरों को कॉमन कर सकते हो, या फिर नीचे जो सिरे हैं उनको कॉमन कर सकते हो। जैसा कि हमारे पास आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो हमारे पास K2 है उसके यहाँ पे जो NONC है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे इनको कॉमन कर रखा है, तो आप यहाँ पे भी कॉमन कर सकते हो, या फिर नीचे भी इनके एक एक सिरे और हैं, वहां पे भी आप इनको कॉमन कर सकते हो। तो उनके दोनों सिरों को आपस में NONC के सिरों को कॉमन कर देंगे। आप यहाँ कर दो, चाहे यहाँ कर दो, कहीं पे भी कर दो। जहां पे आप कॉमन करोगे वहां से एक सिरा उठाना है आपको, एक तार वहां से उठाना है और सीधा हमारे को दे देना है हमारे K1 के अंदर। और इसी K1 से हमारे ऑक्सिलरी को भी सप्लाई दे देनी है। एक तार ऑक्सिलरी में दे देना है, एक तार हमारे यहाँ दे देना है K1 के अंदर। यहाँ पर K2 को भी एक फेज मिल गया, K2 फेज मिल गए, और K1 को भी यहाँ पे दो फेज मिल गए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे कि K1 को तो दूसरा फेज मिला ही नहीं, तो वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो एनसी था उसको NO के साथ जहाँ पे हमने कपल करा था, वहीं से एक और सिरा उठाना है और सीधा हमारे को दे देना है हमारे जो NO है, नॉर्मली ओपन जो स्विच है किसका, K2 का, उसके अंदर। अब जैसे हमारी फ्रेज जो K2 है वो ऑन होगी, तो ये नॉर्मली जो ओपन है ये हो जाएगा नॉर्मली क्लोज, और जैसे ही क्लोज होगा तो ये फेज चल जाएगा सीधा हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ से हमारी जो NONC है वो पहले ही लूप हो रखी है, और इस लूप से हमारे पास K2 के अंदर सप्लाई जा रही है। तो हमारी K2 के साथ K1 भी स्टार्ट हो गई। अब हमारी मोटर चलेगी स्टार के अंदर, स्टार के अंदर चलेगी। तो हमारे को जो है इस ऑन बटन को 10-5 सेकंड है वो दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारी मोटर को जो है पहले स्टार के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए चलाते हैं, उसके बाद डेल्टा में चलाते हैं। तो जब तक हमारे को जो मोटर हमारी पूरी RPM पर नहीं आ जाती, तब तक हम इस मोटर जो है हमारे ऑन स्विच को इसको दबा के रखेंगे। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, छोड़ते ही फ्रेंड्स क्या होगा, जो हमारा फेज यहां से यहां आ रहा था, ये हो जाएगा हमारे पास कट। तो हमारी NBC कौन सी, K2, जिसमें ये जो ब्लू वाला फेस देख रहे हो ये जा रहा था, ये कट हो जाएगा। जैसे ये कट होगा तो क्या होगा, जो हमारी K2 थी वो ऑफ हो जाएगी। अब हमारी मोटर चलेगी डेल्टा के अंदर। डेल्टा में कैसे चलेगी, यहाँ पे ये फेज हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सीधा जा रहा था इस पॉइंट पर, जब ये चल रही थी तो जा रहा था हमारे K1 के अंदर। अब K1 को सप्लाई कहाँ से मिलेगी, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर से। ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा NO स्विच है, जो हमारा NO स्विच है उसका यहाँ ये जो फर्स्ट टर्मिनल है इसके साथ इंटरलॉकिंग करता है अंदर की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये अंदर से लॉकिंग करेगा तो ये सप्लाई डायरेक्ट इसके चालू होने के बाद ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर में आ जाएगी। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर से वापस K1 के अंदर आती रहेगी कंटिन्यू सप्लाई। अब फ्रेंड्स, जो सप्लाई हमारे पास पहले इस तरीके से आ रही थी, अब वो जाएगी हमारी K1 के माध्यम से, यानी कि पहले इधर से आ रही थी अब जाएगी वापस। अब जब ये वापस जाएगा फेज, तो ये जाएगा इस पॉइंट पर। अब हमारे यहाँ पर NONC पहले से यहाँ पे हमारा जो लूप हो रखा था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जाएगा, तो हमारा ये जैसे ऑफ हुआ, ऑफ होते ही यहाँ वापस हमारे पास नॉर्मली ओपन हो गया, तो ये फेज यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली ओपन हो जाएगा तो फेज नीचे आने से रहा। बात रही NC की, तो ये जब ये चली थी तब बन गया था नॉर्मली ओपन, जैसे ऑफ हुई तो बन गया वापस नॉर्मली क्लोज। जैसे ही क्लोज बना तो ये जो फेज है वो उठ के आ जाएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आएगा। तो इस पॉइंट से हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट है हमारी K3। अब हमारी K3 को दूसरी सप्लाई मिल जाएगी, पहली मिल रही थी हमारी R फेज से, और दूसरी मिल जाएगी हमारी
यहाँ पर जो रिवर्स होके ये जो फेज आएगा हमारा इससे, तो एक फेज दो फेज इसको मिल गए, इसको दो फेज ऑलरेडी मिल ही रहते हैं। अब हमारी मोटर है वो डेल्टा में स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारी जो मोटर है वो पहले स्टार में और फिर डेल्टा में चलती है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया अभी पैनल बोर्ड के अंदर, आपने इसको देख लिया है किस तरीके से इसका सर्किट तैयार होता है। अब हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू कि हम हमारे सर्किट को तैयार करते हैं कि और फिर स्टार्ट करके देखते हैं कि ये जैसे मैंने आपको बताया वैसा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आओ चलते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल की तरफ।